सीएम का बड़ा आदेश, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 30 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। प्रदेश के कोचिंग सेंटर भी बंद रखने के आदेश हुए। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं होंगी। सीएम ने कहा जरूरत हुई तो शिक्षक और स्टाफ स्कूल आएंगे। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने की बात, 30 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी। प्रदेश के कोचिंग सेंटर भी बंद रखने के आदेश दिए जा चुके हैं। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं सिर्फ होंगी। जरूरत हुई तो शिक्षक और स्टाफ स्कूल आएंगे। कोरोना को लेकर सीएम का ये बड़ा आदेश है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय सिंह, हम फिर से पिछले साल की तरफ एक तरह से कह सकते हैं कि लौटने लगे, वही पाबंदियां शुरू हो गई हैं, स्कूल कॉलेजेस एक बार फिर से बंद हो गए हैं। बिल्कुल सुनांगी, मैं बताऊं कि जिस तरीके से कोरोना राजधानी लखनऊ में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और एक तिहाई हिस्सा पूरा लखनऊ का बना हुआ है प्रदेश का, तो ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ से काफ़ी सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को जहां कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है, वहीं धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो अभी नवरात्र आ रहे हैं और आगे की जो पूजन पठन पाठन होगा, वो भी तरीके से घंटा घबियार जो बस्ते हैं, शंख बस्ते हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए लगातार सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद जो भी चीजें जेन्युइन लग रही हैं कि इससे कोरोना की रोकथाम की जा सकती है, मरीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चा के साथ साथ उन पर रोकथाम लगाई जा रही है। उसी के सिलसिले में स्कूल हो या फिर धार्मिक स्थल, उन पर भी जो है कंट्रोलिंग व्यवस्थाएं जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। शिवांगी, संजय, कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो शिक्षक पहुंच सकते हैं स्कूलों में, तो शिक्षकों को वहां पर क्या प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो करना होगा, जिसके तहत उनको बुलाया जा सकता है? हालांकि स्कूल तो बंद है, बच्चे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, स्कूल तो बंद है लेकिन शिक्षकों को, चूंकि जो है स्कूलों में तमाम ऐसे ऑफिशियल वर्क होते हैं जिनको लेकर के उनके करने की जरूरत है, चूंकि एग्जाम भी सर पे है, कक्षा 1 से 5 और 12 तक के जो इंटर तक के बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन अध्यापकों के पास तमाम कार्य प्रशासनिक कार्य भी सौंपे गए हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक कार्य को समय पर संपादन करने के लिए अध्यापकों को बुलाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो वहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉलों को पूरी तरीके से जो है पालन करते हुए उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाएगा और जो भी के प्रोटोकॉल है उनको कंप्लीट ढंग से रखा जाएगा। कम संख्या में लोगों को, 50% की संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा, शिफ्ट वाइज उनको 1 डे बाय 1 जो है चांस दिया जाएगा, एक दिन जो है दूसरे लोगों को और सेकंड डे दूसरे लोगों को। उसके साथ साथ ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां पर भी कार्य हो रहा है वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, सैनिटाइज पूरा जो स्कूल है जहां पर अध्यापक काम करेंगे उसे पूरा सैनिटाइज किया जाए और कोविड के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाए। संजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल।